Happy birthday, baby. सोहे हेल वाट्स वेलकम बैक टू माय टू चैनल मोबाइल हैल टेन टू टाइम आप सब बढ़िया होंगे तो प्रीव्यू में जिस तरीके से आप वीडियो आपने देखा अगर उस तरीके से वीडियो आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना कोई स्किप किया और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी दबा देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रेशन ऐप की जरूरत पड़ेगी और इस ऐप का प्रोफेशन के लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उधर से डाउनलोड कर लेना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्योंकि वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको दो प्रोजेक्ट मिल जाएगा और दो प्रोजेक्ट को सिंपल से डाउनलोड करना एंड इलेक्ट्रिशन ऐप पर आपको इनपुट कर लेना जैसे इनपुट हो जाएगा आपको सिंपल से प्रोजेक्ट वाला सेशन को ओपन कर लेना है एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीट मार्क वाला जो प्रोजेक्ट है ठीक है इस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करते हैं आपको सामने कुछ इस टाइप से कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा ठीक है जैसे जो हैप्पी बर्थडे है वो लिख के आएगा एंड बाकी का जो पार्ट है आपको इस टाइप से बीट मार्क वाला मिल जाएगा ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना फर्स्ट आपको बीट मार्क आपको आना आपका जिसका बर्थडे वीडियो बनाना चाहते हो ठीक है उसका पिक्चर जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा ठीक है और एक बार जो भी पिक्चर का मैं यूज करूँगा सारे पिक्चर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर ऐड करने के लिए आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना मीडिया पर जाना है जिस भी फोल्डर पर आपका वो पिक्चर है उस फोल्डर से आपको इस से ऐड कर लेना है ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना ठीक है देन आपको नेक्स्ट बीट मार तक आना है एंड जो पिक्चर है इसको भी आपको इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट तक ले आना है है ठीक तो इसी तरीके से आपका जितना भी पिक्चर है वो सारे पिक्चर आपको इस स्टेप से ऐड करना थ्री डॉट पर जाना फिल कंपोजिशन यह कर देना एंड आपको थोड़ा सा आप इस स्टेप से भी चैट चेंज करता हो तो ठीक है देन आपको नेक्स्ट बीट मार्क का आना है एंड बाकी का पार्ट आपको इस स्टेप से फिल कर देना है ठीक है तो इसी तरीके से आपको जितना भी पिक्चर है वो मैं ऐड कर लेता हूँ सो so, आप देख सकते हैं मेरा सारे पिक्चर ऐड हो गया है ठीक है आपको भी उससे तरीके से सा आपको सारे पिक्चर ऐड करना पड़ेगा ठीक है एक एक करके देन अभी आपको करना क्योंकि पिक्चर एंड टेक्स्ट के ऊपर आपको सिम से इफेक्ट डालना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको एक बार बैक चलाना है एंड जो सेक इफेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है इसको आपको सिम से ओपन कर लेना है ठीक है देन आपको फास्ट आपको एक लेयर मिल जाएगा टेस्ट का ठीक है ये जो टेक्स का लेयर मिल जाएगा देन आपको इस ग्रुप मिल जाएगा ठीक है इस ग्रुप में आपको सिम्ब से क्लिक करना है देन आपको इफेक्ट वाला सेक्शन को ओपन कर लेना है थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको सिम्ब से कॉपी इफेक्ट कर लेना है ठीक है देन अभी आपको सिम्बल से बैक चलाना है एंड आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना ठीक है जनाबी आप आपको करना क्योंकि जो फास्ट में जो एक टेक्स्ट का जो लेयर है इसके लेयर को ऊपर आपको क्लिक करना इफेक्ट पर जाके थ्री डॉट पर क्लिक करना और आपको सिंपल से इफेक्ट पेस्ट कर देना ठीक है तो आपका जो इफेक्ट है आपको इस टाइप से कुछ लग जाएगा जैन अभी आपको पिक्चर को फिर इफेक्ट एड करने के लिए आपको सिंपल से बैक चलाना सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है जैन अभी आपको करना क्योंकि आपको इधर फास्ट में जो पिक्चर आपको इधर इस टाइप से मिल जाएगा ठीक है इस पिक्चर को ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना इफेक्ट पर जाना थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड कॉपी इफेक्ट कर लेना धन आपको सिंबल से बैक चलाना बीट मार्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है जैन अभी आपको करना है कि आपका जो फास्ट पिक्चर है ठीक है ये वाला ठीक है ए पिक्चर के ऊपर आपको करना क्या होगा जो वो इफेक्ट आपने कॉपी किया है वो इफेक्ट आपको सिंपल से लेयर के ऊपर क्लिक करना है इफेक्ट पर जाके थ्री डॉट पे क्लिक करना आपको सिंपल से पेस्ट कर देना है ठीक है देन आपको नेक्स्ट पिक्चर को छोड़ना है एंड उसके अगले वाले पिक्चर के ऊपर आपको ये वाला इफेक्ट आपको सिंपल से पेस्ट कर देना है ठीक है तो एक पिक्चर के छोड़ना है एंड उसके अगले वाला पिक्चर के ऊपर आपको फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है वो आपको पेस्ट करना है ठीक है तो लास्ट पे और आपको स्टेप से और एक मिल जाएगा तो इस स्टेप से हो जाने के बाद अभी आपको करना क्योंकि इतना हो जाने के बाद अभी आपको करना है क्योंकि जो पिक्चर अभी बाकी है ना इफेक्ट ऐड करने के लिए तो उस पिक्चर को आपको एक डुप्लीकेट कर लेना है ठीक है तो उसके लिए आपको करना क्योंकि इस स्टेप से आपको हर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना ठीक है इसको भी एंड इसको भी एंड लास्ट में ए वाला पिक्चर को फिर ठीक है ये चार पिक्चर आपको इस से सेलेक्ट करना है तो आपको इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट फोल्ड लेयर के ऊपर क्लिक करना ठीक है तो आपका चारों जो पिक्चर है वो डुप्लीकेट हो जाएगा जना तो भी आपको करना के सिम्ब से बैक चलाना एंड सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है जना तो भी आपको करना होगा लास्ट पर आपको चले आना है ठीक है इधर आपको एक पिक्चर मिल जाएगा ठीक है इस पिक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना इफेक्ट पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड आपको सिम्बल से कॉपी इफेक्ट कर लेना जैसे आपको बैक चलाना एंड बीट मार्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है क्योंकि आपको जो जो पिक्चर आपने डुप्लीकेट किया है ना उस उस पिक्चर के ऊपर आपको आना है एंड ऊपर वाला जो पिक्चर है डुप्लीकेट का उ, उस वाला पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है इफेक्ट पे जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है ठीक है तो इस बार इसको इसके भी ऊपर वाला पिक्चर के ऊपर आपको सिम से ये वाला इफेक्ट जो है वो इस टाइप से पेस्ट कर देना है ठीक है इस वाला इसको भी पेस्ट कर देना है लास्ट पर और एक आपका बाकी है उस वाला को भी आपको सिम से इस टाइप से पेस्ट कर देना है ठीक है so, सो इतना हो जाने के बाद आपको और एक बार आपको बैक चलाना है बीट मार्क को ओपन कर लेना सॉरी इफ सॉरीपिट को ओपन कर लेना है एंड अभी आपको करने के बाद जो पिक्चर है उसके लिए नीचे आपको एक लेयर दिखाई देगा दिखा. इस लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करना है इफेक्ट आपको सिम से कॉपी कर लेना है ठीक है आपको बैक चलाना है एंड आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना है ठीक है जना भी आपको करना है कि जो डुप्लीकेट लेयर है ठीक है उसके नीचे वाला जो पिक्चर है इसके लेयर के ऊपर क्लिक करना इफेक्ट पर जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करना इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है ठीक है तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका जो इफेक्ट है वो कुछ लग जाएगा ठीक है तो सारे सारे जो पिक्चर है उस पिक्चर के ऊपर मैं ये वाला इफेक्ट जो है पेस्ट कर देता हूँ इसी तरीके से इतना हो जाने के बाद आपको और एक बार आपको बैग चलाना है सिक्यूर को ओपन कर लेना है ठीक है देन अभी आपको करना क्या होगा आपको इधर आना है एंड नीचे एकदम नीचे आपको और एक लेयर दिखाई देगा ठीक है इसलिए इसको आपको इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है इस बार आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको कॉपी लेयर कर देना है ठीक है देन इतना हो जाने के बाद आपको और एक बार अरग बैग चलाना बीट मार्क को ओपन कर लेना है ठीक है देन आपको करना क्या होगा जो जो पिक्चर डुप्लीकेट है ना उस, उस लेयर के ऊपर आपको सिंपल से बीट मार्के आना है इस बार आइकन के ऊपर क्लिक करना है आपको सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना है ठीक है देन नेक्स्ट इसके ऊपर आपको आना है एंड इसके ऊपर आपको सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना आपको कुछ करना नहीं बस पेस्ट लेयर कर देना ठीक है जो जो पिक्चर डुप्लीकेट है इसको भी पेस्ट करना लास्ट में आपको करना क्या होगा लास्ट में आपको सॉरी लास्ट पर आपको सिंपल सा डुप्लीट पेस्ट लेयर कर देना ठीक है देन आप देख सकते हो इस थोड़ा सा आपको बाहर है तो इसका पार्ट आपको काटने के लिए आपको कॉर्नर के लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है कॉर्नर के ऊपर आपको जो बटन दिखा देगी इसके ऊपर क्लिक करना है इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है ठीक है तो आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो रेडी हो, हो जाएगा और आपको लास्ट पर और एक आप काम कर सकते हो सिक्यूट को ओपन करना है ठीक है आप लास्ट पर देख सकते हो ठीक है लास्ट में आप देख सकते हो तो एक तीन लेयर आपको दिखाई देगा ठीक है अगर आप ये लेयर आप जो एच डी सी सी जो है ना कलर ग्रेन वो आप देना चाहते हो तो आप इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है इस बार आइकन के ऊपर क्लिक करना कॉपी थ्री लेयर कर देना है ठीक है देन आपको बैक करके आपको बीट मार्क ओपन कर लेना है से आपका पिक्चर शुरू हो रहा है ठीक है इस वाला लेयर बीट मार्क ऊपर आना है इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है आपको अगर आप चाहते हो तो आप दे सकते हो पेस्ट थ्री लेयर करके ठीक है आपको कुछ करना नहीं है देन आपको करना है ऊपर की तरफ जो शेयर वाला ऑप्शन है ये आपको क्लिक करना है और आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है